मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ आ जाइए, तो आपने ये वाला देखिए और मैं यहाँ कैसे पहुँचाऊँ वो देखिए आप। पर्सनली सजेस्ट करूँगा तो यहाँ मत आओ, वहाँ था यहाँ आ गया। ये यहाँ पे बिजली गिर गई थी। हेलो गाइस, दिस इज माधव शो मैन, यू आर वाचिंग साइकिलिंग ऑन नथिंग। और गाइस आज मैं फिर निकल गया हूँ नथिंग करने, और आज मैं कहाँ जा रहा हूँ आप सबको लेके, यहाँ जा रहा हूँ ये जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है। और ये वैसे तो आपको थंबनेल और टाइटल देख के समझ आ गया होगी ये क्या है, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पहुँच के बताऊँगा जो भी है। बट फिलहाल मैं आपको बस इतना बता दूँ कि ये देखो ये सिलेक्ट सिटी वॉक है साकेत, और उसके बिल्कुल अपोजिट है ये, और ये क्या है ये मैं पहुँच के दिखाता हूँ आपको। तो अब बने रहिए और चलिए मेरे साथ। हाँ गाइज, मैं आपको खिड़की फोर्ट लेके आया हूँ, या आप कह लो खिड़की मस्जिद, और ये इसका गेट है, हम स्पेशली खुलवा रहे हैं और यहाँ से एंट्री। कितना सही लग रहा है खिड़की मस्जिद, या आप कह लो खिड़की फोर्ट। वैसे ये मस्जिद ही है, दिल्ली के सबसे बड़े मस्जिद में से एक है ये। मतलब एक तो आपको जामा मस्जिद तो पता ही होगा, और एक ये भी है जो कि अब तो खैर अबैंडनड ही मान लो आप इसे भी, क्योंकि यहाँ भी ज़्यादातर लोग आते नहीं। हमने भी स्पेशली खुलवाया, उसने हमारे लिए खोला, वरना वो ऐसे खोलते भी नहीं है। ये देखो, और ये खिड़की मस्जिद इसका इसलिए नाम है क्योंकि यहाँ पर ना खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ ही, देखो आपको दिख ही रहा होगा। और एरिया देखो इसका कितना सही लग रहा है, ये पीछे बिल्कुल ना लगा लो ऐसे चार ऐसे कोर्टयार्ड है, एक एक जहाँ मैं खड़ा हूँ, दो तीन, और एक उधर है चार। और ऐसे आप आसपास देखो खिड़की कितने, और अगर इसको हम वैसे अगर इसमें घर बनवाना चाहे कमरा बनवाना चाहे तो कितने कमरे बन जाएंगे। पर ये यहाँ की हालत थोड़ी खस्ता है, बट स्टिल यार शुक्र है खोल दिया ये, अच्छा लग रहा है। देखिए मैं पहुंच गया, वहाँ था यहाँ आ गया, और ये मेरे आसपास गुम्बद, और ये हमारा आईडी, और ये देखिए हर जगह हर कोने में ना नौ नौ गुम्बद है, टोटल 81 है, नौ जगह, ये तीन, ये तीन, ये तीन, ये मतलब पूरा पूरा ऐसे फैला हुआ। गाइस इस मॉस्क के बारे में मैं बता दूँ, ये मॉस्क कह लो आप या ये बिल्कुल किले जैसा है ये। और ये वैसे खाने जहाँ जूनन शाह जी ने बनाया था 1380 में, तो आप ये देख लीजिए कितना टाइम पुराना है ये। और बाकी फ़िलहाल आप मेरी हालत भी देख लो, और मैं फिलहाल नीचे जा रहा हूँ, और ये मेरी भी व्लॉगिंग चल रही है, अलग ही BTS चल रहा है। BTS हैव यू वाला, अच्छा ये पीछे ना मेरे बिल्कुल खिड़की गाँव है, और ये कहाँ पड़ता है मैं आपको बता दूँ, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है यहाँ का मालवीय नगर, और सिटी वॉक तो मैंने आपको दिखाई दिया था है ना, सिटी वॉक। हाँ सिटी वॉक बिल्कुल इसके बगल में ही है, थोड़ा यहाँ से निकाल सकते हो आप। और बाकी ना यहाँ एक सतपुल्ला है जो मतलब सेवन ब्रिजेस का नाम मतलब डैम था उस टाइम का ही मिडिवल दिल्ली का, तो वो भी यहाँ पर आसपास ही है, मतलब वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। हाँ तो गाइस हम उसी रोड पे, मैंने आपको बताया जो सतपुल्ला है वो उसके बिल्कुल सामने खड़े, ये उसका गेट है, आप देख लीजिए एक बार गेट, और अब बस यहाँ से हम आपको अंदर लेके चल रहे हैं, तो आप चलिए हमारे साथ। हे गाइस फाइनली पहुंच गया मैं सतपुल्ला, और ये देख लीजिए मेरे पीछे जो रोड है वही वाली रोड है जो मतलब सिटी वॉक वाली है, देखो आपको पीछे मेरे सिटी वॉक पे दिख रहा होगा। और ये मतलब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसको सतपुल्ला क्यों कहते हैं, इसको सतपुल्ला इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मतलब सेवन, ये देखो यहाँ पे ना सेवन आर्चेस बने हुए हैं, मैं आपको एक बार नीचे लेके जाके भी दिखा दूँ। बेसिकली एक डैम है जो कि मतलब लगा लो 1325 से लेके 1350 में बना था, मतलब 25 साल लग गए थे, और ये मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उन्होंने बनवाया था,
और बाकी वही आप ये देख लीजिए, बाकी मैं शॉर्ट्स डालूंगा तो आपको वो ये देखिए, अगर आपको वो दिख रहे होंगे 7 आर्चेस वो भी दिखाऊंगा आपको ना। ये ना किसी को ज़्यादा पता नहीं है, मतलब जैसे अगर आप यहाँ पे इस रोड पे अगर आप ऐसे जाएंगे और किसी से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि अगर आपको डैम वैम के बारे में मतलब जानना है तो वो तो किसी आप मतलब नहर वहर की तरफ जाओ या ऐसी किसी जगह पर जाओ जहाँ पर मतलब आसपास कोई वाटर बॉडी हो, बट यहाँ कोई सीन नहीं है। पर वही है, और बाकी आप वैसे सतपुल्ला पूछो तो कोई नहीं बता पाता। अब तो आप वही है कि मतलब मैं आपको वैसे ही मैंने कहा दिखा दूँ ये जगह आपको ना, और ये देखो पीछे आपको वो भी दिख जाएगा कि जहाँ जो मतलब सोर्स होता था पानी आने का, देख रहे हो। काश इस वाले जो दौर में जिस टाइम पे यमुना का मतलब इतना स्तर इतना ऊपर आ गया है, उस टाइम पे मतलब इसका कुछ मतलब हो पाता, इससे कुछ मदद हो पाती हमारी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये देखिए भाई बंधु आ गए, बट गाइस देखो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँ ना तो यहाँ मत आओ अबे साले। पर ये यहाँ पे मतलब ये है कि ज़्यादातर ना ये यहाँ पे आते नहीं है लोग, क्योंकि ये जनरली मतलब ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ से ऐसे जा रहे हो और आपको ये दिखे भी ना, बट वही है। बाकी आप आने के लिए आ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर वही है कि जैसे मर्जी आओ, मतलब क्या बोलूँ, मतलब समझ रहे हो ना। तो वही सीन है। बाकी गाइस अब मैं आपको ना एक बार नीचे का भी पार्ट दिखा देता हूँ थोड़ा सा, फिर जैसे भी होता है आगे की जो भी स्थिति बनती है वो बताता हूँ। ये देख लिया मैं ऐसे रास्ते पे ऐसी जगह पहुंच गया जो मैं आपको इतनी ऊपर से दिखा रहा था, ये बिल्कुल मैं इसके सामने आ गया हूँ। और ये देखिए हालत देखिए, बस ये अगर थोड़ा सा मतलब जिस हिसाब से वो तिवारी जी बता रहे थे, अगर ये मतलब प्रोजेक्ट है कि अगर ठीक होना है तो फिर तो बहुत सही हो जाएगा। अगर ये दोनों मतलब वो जो मैंने आपको दिखाया था वो खिड़की मस्जिद और ये सतपुल्ला और ये दोनों ना आपस में लगा लो 800 या 1000 मतलब मीटर की दूरी पर होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ आ गई, ये तो आपने ये वाला देखिए और मैं यहाँ कैसे पहुँचाऊँ वो देखिए आप। खिड़की मॉस्क और ये सतपुल्ला घूम आए हैं और फाइनली जहाँ आके रुके हैं यहाँ, मतलब मेरा एक फ्रेंड रहता है, मतलब फ्रेंड क्या आप छोटा भाई कह लो, फ्रेंड कह लो, जो मर्जी कह लो, आपने देखा ही होगा उसको वीडियोस में, दूर दूर ही था वो, वीडियो पे आना नहीं चाह रहा, वरना थोड़ी ना यहाँ पर तबाही ना हो जाए। बाकी गाइस यहाँ पर मैं क्यों आया हूँ और यहाँ पर ये क्यों रह रहा है, वो इसलिए रह रहा है क्योंकि थोड़ा मतलब यहाँ पर ना थोड़ा इतिहास है हमारा, बहुत अच्छा भी कह सकते हो और मतलब हमारे लिए तो बुरा नहीं है, हमारे लिए तो अच्छा ही है, किसी के लिए बुरा हो सकता है। बाकी ठीक है गाइस, आप मेरे को बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा, मैं आपको सजेस्ट करूँ तो आप खिड़की मॉस आ सकते हो घूमने, बट वहाँ पे वही है कि काफ़ी स्मेल वगैरह चमगादड़ वगैरह है, और आप सतपुल्ला भी जा सकते हो बट वैसे वहाँ पे मतलब ऐसा कुछ है नहीं। जैसे अगर शूट वूट का भी आप सोचो तो शूट वूट के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी और भी जगह है, वहाँ पर मैं आपको बहुत जल्द लेके चलूँगा। फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे को कमेंट करके बता देना कि मेरे को और कहाँ जाना चाहिए। फिलहाल मैं चलता हूँ और आप एक चीज़ ज़रूर देख जाओ, एलेक्सा चेंज द लाइट टू ब्लू। देख रहे कौन है हम? नवा आपके चोदे हैं हम। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक स्टे ट्यून फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियोस। बाय। तो ये वैसे मेनली इसका नाम खिड़की मतलब मॉस्क या खिड़की फोर्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ मतलब बहुत ज्यादा ही खिड़कियां जो मैं आपको दिखाई नीचे। हाँ सही में लिटरली यही सीन है, हसमत ए हतर मजा ए रे दत तेरी दत तेरी बाकी दत बाकी। गाइस ये देख रहे हो जो टूटा हुआ है, ये बता रहे हैं यहाँ पे तिवारी जी है, यहाँ के केयर टेकर है शायद, वो बता रहे हैं कि ये यहाँ पे बिजली गिर गई थी। और ये देखिए और अंकल मूत्र है, अरे भाई क्या बात है, बड़ा हरामी हो बेटा।